दोस्तों नमस्कार, बेंगलुरु कर्नाटका से मैं सुरेंद्र वत्स एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डायरेक्ट सेलिंग का हमारे देश में भविष्य क्या है, इसका विज़न क्या है। आज हम बातचीत करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। जब तक आपके पास में करने का एक बड़ा कारण नहीं होता, आप बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने करियर के विषय में चुनाव कर रहा होता है तो आज हमारे समाज में सबसे पहला उसके पास में विकल्प होता है जॉब, सरकारी या प्राइवेट, उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस, या बहुत कम लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आज के समय एक चौथा विकल्प भी है और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेहतर क्यों है, ये सबसे बेहतर क्यों है, मैं पॉइंट वाइज कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप कोई भी व्यापार कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई पूंजी नहीं लगानी, कोई कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती कि आपने फला प्रोडक्ट फला कीमत का लेना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपकी शुरुआत बगैर किसी पूंजी के होती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिस्क आपको नहीं उठाना पड़ता और आप बहुत इंजॉय के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लोट ऑफ मनी। ये बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा तय नहीं की गई है। अगर आप जॉब में हैं या आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो आप एक लिमिटेड दायरे में बिजनेस कर सकते हैं और आपकी आमदनी भी सीमित मात्रा में ही रहेगी, लेकिन ये बिजनेस आपको अधिकार देता है कि आप अपनी पगार खुद तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 5,000 रुपये महीना के आदमी हैं तो ये बिजनेस आपको 5,000 रुपये महीना देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 50,000 रुपये महीना कम से कम कमाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपको 5 लाख रुपया महीना चाहिए, ये इंडस्ट्री आपको 5 लाख रुपया महीना देगी। इससे ऊपर आप जाना चाहते हैं, स्काई इज़ द लिमिट, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ऐसे हज़ारों एग्जांपल हैं दुनिया में और हमारे देश में जो इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपया लगा के आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा नहीं बना सकते, बगैर इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर बनाया जा सकता है। तीसरी चीज़ वो है स्पेयर टाइम। आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास में और उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको CAGR मिलेगा, आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन आज तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है कि जहां आप अपना स्पेयर टाइम इन्वेस्ट कर दें आज और आने वाले समय में आपको टाइम मिले, वहाँ से आप टाइम निकाल पाएँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको टाइम को दोबारा आपको रिटर्न करती है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम खर्च नहीं कर रहे हैं, हम टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी टीम पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे जब आपका ग्रुप बनता है, आपके ग्रुप में लोगों का विकास होता है, वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि आप 100% फ्री हो जाते हैं। आपके रहने और न रहने से बिजनेस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चौथा पॉइंट वो है सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा। ये सुरक्षा कि जो आज मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम आगे भी चलता रहेगा, मेरे न रहने के बाद भी चलेगा और मेरे बच्चों को कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, इस प्रकार की सुरक्षा आज के टाइम में असंभव लगती है। जिस प्रकार से कंपनियों में कंपटीशन है, एम्प्लॉयज़ की छटनी की जा रही है, बड़े बड़े जो परंपरागत व्यापार थे कंपटीशन की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से वो ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे दौर में कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग एक ऐसा उद्योग है, यहाँ पे आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे और आप इस चीज़ के साथ में, इस भावना के साथ में काम करते हैं कि ये बिजनेस जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारी इस इंडस्ट्री में कि एक व्यक्ति ने मात्र 3 साल काम किया, उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन आज 10-15 सालों के बावजूद भी उस व्यक्ति ने
जो टाइम इन्वेस्ट किया था, जो टीम को बिल्ड किया था, उसकी वजह से ये बिजनेस उसकी फैमिली में ट्रांसफ़र हुआ और उनके बच्चों को, उसकी बीबी को पैसा मिल रहा है। और छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ा पैसा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सुरक्षा ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। आगे हम बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट है रिकग्निशन। मुंशी प्रेमचंद जी एक जगह लिखते हैं कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफ़ेद कागज पर काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। हर व्यक्ति इसको चाहता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में या जॉब में चूंकि लिमिटेशंस हैं, ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है, जब आप इस बिजनेस में एक लेवल पे जाएंगे, जब आपकी रिकग्निशन होगी, वो दो चार या दस लोगों के बीच में नहीं होगी, हज़ारों हज़ारों लोग आपकी रिकग्निशन के लिए इकट्ठा होंगे। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े स्टेडियम हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं, उसमें आपको इन्वाइट किया जाएगा, आपका रिकग्निशन होगा, ढोल नगाड़े के साथ में होगा, हज़ारों लोग बाहर लाइन में खड़े होंगे आपसे ऑटोग्राफ के लिए। ये इंडस्ट्री आपको सेलिब्रिटी बना देगी, लाखों लोग आपके फॉलोअर बन जाएंगे सोशल मीडिया पे। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। छठा इस इंडस्ट्री का फायदा है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी। अगर आपने 21वीं सदी में कुछ बड़ा काम करना है तो दो गुण आपके अंदर होने चाहिए। पहला गुण आपके अंदर होना चाहिए कि आप लोक व्यवहार में निपुण हों। दूसरा गुण आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी सोच सकारात्मक हो। ये दोनों ही गुण ये इंडस्ट्री आपके अंदर पैदा करेगी। लोगों से आप जुड़े रहेंगे, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलेंगे। उन सब से मिलने के बाद में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और दूसरी चीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। मैंने अपने अनुभव में बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, लेकिन जितने सकारात्मक लोग इस इंडस्ट्री में हैं, उतने सकारात्मक लोग मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखे। आपकी पर्सनैलिटी को ये इतना बड़ा बना देगी कि जितनी दीवारें आज हमारे बीच में हैं, वो सारी दीवारें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। चाहे वो जाति की दीवार है, वो धर्म की दीवार है, वो भाषा की दीवार है, वो गरीबी अमीरी की दीवार है, वो ग्रामीण शहरी की दीवार है, वो सारी दीवारें ख़त्म हो जाएंगी। और जब आप बाहर आएंगे, एक अलग तरह की पर्सनैलिटी, एक अलग तरह की आभा आपके चेहरे से निकलेगी और आपके समीप में लोग रहना पसंद करेंगे। सातवां बेनिफिट है कि इंडस्ट्री से अगर आप जुड़ेंगे, आपको बेहतरीन उत्पाद मिलेंगे और आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता हुआ चला जाएगा। आठवां फायदा है, आपको देश दुनिया में घूमने के मौके मिलेंगे। नौवां फायदा है, ये बिजनेस लोगों की दुआएं आपको देगा। आपके अंदर एक भावना बनेगी कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो जो एक इच्छा है व्यक्ति की, वो आपकी इस बिजनेस के माध्यम से पूरी हो सकती है। दसवां फायदा है कि बिजनेस आपको अपना खुद का बॉस बनाएगा। आप अपनी इच्छा से काम करेंगे, बगैर दबाव के काम करेंगे। और ये फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप अगर इस इंडस्ट्री में हैं या इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे एक बार ध्यान से सोचिए और जो हमारे दूसरे विकल्प हैं उनसे इसकी तुलना कीजिए। और अगर आपको लगे कि ये एक कंप्लीट पैकेज है, जो दूसरी जगह चीज़ें नहीं मिल सकती वो इंडस्ट्री में मिल सकती हैं, तो 21वीं सदी के इस महान बिजनेस में आपका स्वागत है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब 21वीं सदी का व्यवसाय में कहा है कि 21वीं सदी में अगर सबसे बड़ा कोई चेंज होगा तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दूसरे बिजनेसों पे से बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ेंगी। अब महत्वपूर्ण एक जिज्ञासा आपके अंदर होगी कि अगर हम माने कि ये बिजनेस हमें करना है, तो फिर किस कंपनी के साथ में करना चाहिए। अगले वीडियो में हम इस पे बातचीत करेंगे कि आप अगर किसी कंपनी के साथ में हैं तो आपको उस कंपनी में किन किन पॉइंट्स को देखना चाहिए, और अगर आप जुड़ने का मन बना रहे हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आपको चेक करना चाहिए। अगली वीडियो में बहुत जल्द मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप जिस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार से वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप उत्साह बढ़ा रहे हैं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।